नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। नरक चतुर्दशी पर आज जलाएं यमदीप। हेमाद्री, धर्म सिंधु, विघ्न सिंधु जैसे कई ग्रंथों में नरक चतुर्दशी के बारे में बताया गया है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी और छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन शाम के दीपक का अधिक महत्व है, इसे यमदीप भी कहा जाता है। यमदीप जलाने से हमें नर्क की यातनाओं को सहन नहीं करना पड़ता। इस दिन दीपदान भी किया जाता है, जिससे हमें यमराज का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। पितरों के लिए भी आज जलाएं एक दीपक, मिलेगा मोक्ष। आमतौर पर दीपक उत्तर या पूर्व दिशा में जलाए जाते हैं, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा देवताओं की मानी जाती है। लेकिन नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में दिया जलाने को महत्व दिया जाता है। दक्षिण दिशा पूर्वजों की दिशा है। जो व्यक्ति नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दीपक जलाता है, उसके पितर नरक से स्वर्ग लोक पहुंचते हैं। उनके पितरों को नरक की यातनाएं सहन नहीं करनी पड़ती। छोटी दिवाली पर दीपों की बारात सजाने की है परंपरा। मान्यता है कि नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर का वध करके भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त कराया था और उन्हें सम्मान प्रदान किया था। इस उपलक्ष में दीयों की बारात सजाए जाने की परंपरा रही है। यह भी मान्यता है कि इस दिन सूर्योदय से पूर्व उपटन लगाने एवं स्नान करने से समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपावली कल, घी के दीपों से रोशन करे घर। कार्तिक महीने की अमावस्या को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने घरों में घी के दिए जलाए थे और इन दियों की रोशनी से अमावस्या की काली रात रोशन हो गई थी। तब से निरंतर कार्तिक अमावस्या को दुनिया भर में हिंदू समाज के लोग दीपावली का पर्व मनाते आ रहे हैं। दीपावली हिंदुओं का बड़ा त्योहार है। दीपावली पर नई वस्तुएं खरीदने का भी है महत्व। हिंदुओं का प्रमुख त्योहार दीपावली का पर्व 5 दिनों तक चलता है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत में दिवाली अलग अलग दिन और अलग तरीके से मनाई जाती है। दीपावली स्वच्छता का भी त्योहार है। इस दिन घरों की साफ सफाई की जाती है। इसके अलावा दीप जलाना, रंगोली बनाना, माता लक्ष्मी की पूजा करना, मिठाई बांटना, अच्छे अच्छे पकवान बनाना और घरों व ऑफिस के लिए नई वस्तुएं खरीदने का भी महत्व है। बहुत महत्वपूर्ण है दवाइयों के पत्ते पर बनी लाल लकीर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। मंत्रालय ने आम लोगों से कहा कि जिम्मेदार बने और बिना डॉक्टर की सलाह के लाल लकीर वाली दवाई की पत्ती से दवाइयां इस्तेमाल ना करें। कुछ दवाइयों जैसे एंटीबायोटिक्स आदि की पत्ती पर एक लाल लकीर होती है। इसका मतलब होता है कि इन दवाइयों को केवल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लें। कम कीमत में मिल रही है सेंट्रो, पर माइलेज में टियागो बेहतर। बजट हैचबैक सेगमेंट में हुंडई की सेंट्रो, टाटा की टियागो एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रही हैं। इन दोनों गाड़ियों की बाजार में मजबूत पकड़ है। टाटा मोटर्स का दावा है कि टियागो 23.84 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, वहीं सेंट्रो का एवरेज 20.3 किलोमीटर प्रति लीटर है। हालांकि दोनों ही कारों में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन है, जबकि कीमत सेंट्रो की कम है। मात्र 50 रुपए में कोलकाता में देखे भारत और बांग्लादेश का टेस्ट मैच। दर्शकों को अधिक संख्या में स्टेडियम तक लाने के लिए बंगाल क्रिकेट संघ ने भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले टेस्ट मैच के टिकटों का न्यूनतम मूल्य 50 रुपए रखा है। भारत और बांग्लादेश की टीमें 22 से 26 नवंबर तक ईडन गार्डन्स में दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगी। इसके अतिरिक्त अन्य टिकटों की कीमत 200, 150 और 100 रुपए रखी गई है। एजुकेशन के मामले में कई एक्ट्रेस से आगे हैं परिणीति चोपड़ा। परिणीति चोपड़ा उन अभिनेत्रियों में शामिल हैं जो पढ़ाई के मामले में अव्वल रही हैं। अम्बाला में जन्मी परिणीति के बारे में कहा जाता है कि 12वीं क्लास में उन्होंने इंडिया टॉप किया था। उसके बाद परिणीति ने बिजनेस, फाइनेंस और अर्थशास्त्र में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री हासिल की और 2009 में मैनचेस्टर से भारत लौटी। 2011 में लेडीज वर्सेज रिकी बहल से बॉलीवुड में डेब्यू किया और बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।